आज हम फिर से वन नंबर से ड्राइंग बनाएंगे, लेकिन आज एक बर्ड ड्रॉ करेंगे। बर्ड ड्रॉ करने के लिए हमें लेना है स्ट्रेट लाइन, स्टैंडिंग एंड ये स्लीपिंग, है ना। अभी स्टैंडिंग लाइन को हम ज्वाइन करेंगे यहाँ पे। पहले बनाना है हमको आर्क ऐसा ऊपर से हाफ राउंड, ये पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे इसको लाके। ये लाइन ज्वाइन हो गई इसमें। अब हमको बनाना है इसके ऊपर उसका फेस बर्ड का, तो हम उसको वही लाइन को ऊपर से लेकर के यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। अब हमको बनाना है उसकी पूंछ, उल्टा वी शेप लेंगे, दो लाइन ले ली अपन ने बीच में। हमें अब उसके फेदर्स पंख दिखाने रहेंगे, तो हम यहाँ पे जिगजैग मार्क करेंगे ऐसा। अब हम उसको लकड़ी के ऊपर बैठी हुई शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो हम ये डबल लाइन लेंगे नीचे की जो डली हुई थी बर्ड से टच करके, और ये उसके पैर बनाएंगे। ये पैर कंप्लीट हुए, अब उसकी यहाँ पे चोंच बनाएंगे। तो चोंच के लिए ये यहाँ से भी आपको आड़ी लाइन लेना है ऐसी। आई के लिए सर्कल लेना है छोटा, फिर उसी के अंदर सी बनाना है, तो ये पूरी कंप्लीट आपकी आई बनेगी, है ना। अब आप ये जो लकड़ी बनी हुई है जिस पे वो बैठी है, आप उसको ऐसे ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हो अलग अलग, तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। यहाँ पे एक ओवल शेप डाल रही हूँ, सर्कल नहीं, ऐसा सर्कल गोल होता है, ओवल थोड़ा दबा हुआ रहता है। अब इसमें अपन लीव्स बना देते हैं, पत्तियाँ थोड़ी सी, तो ज़्यादा अच्छी दिखेगी ये, और ब्रांचेस ड्रॉ करके सेम ऐसा ओवल शेप इधर साइड, है ना, सेम ऐसा ओवल शेप इधर साइड। ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया ड्राइंग को, इसमें एक बीच में और लाइन ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छी दिखेगी वो चिड़िया। लकड़ी में ब्राउन कलर लेते हैं। आज मैं थोड़ा सा आपको शेडिंग्स का भी नॉलेज देती हूँ, है ना। तो पहले क्या करेंगे अपन, लकड़ी में येलो कलर फिल करना है आपको, येलो आपको लाइट चलाना है, क्योंकि हम दो कलर मिक्स करेंगे तो दो एक के ऊपर एक कलर मिक्स होगा, इधर साइड शेडिंग आएगी, तो ये आपको पहले येलो चलाना है। कलर स्लीपिंग में फिल करना है, स्टैंडिंग में नहीं, क्योंकि ये जो आपने ड्राइंग बनाई हुई है ये भी पूरी स्लीपिंग में बनी हुई है नीचे की। अब आपको करना है ब्राउन कलर, ब्राउन आपको नीचे डार्क करना है और ऊपर जाते जाते आपको ये कलर लाइट करते जाना है ऐसा, नीचे डार्क ऊपर लाइट। सेम ऐसा अपन इधर साइड भी कंप्लीट करेंगे, इधर पूरी ये वाली ब्रांच जो है वो पूरी ब्राउन होगी, हाफ जो है ये डार्क किया फिर ऊपर साइड लाइट करते गए। ये हो गया, येलो पे कवर आउट करना है ब्राउन को, है ना। ये आप चाहो तो नीचे थोड़ा सा ब्लैक कटर्स दे दोगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा आपका ट्री का जो स्टेम बना हुआ है। इस टाइप से, है ना, और ज़्यादा अच्छा दिखने लगा ये। अब आपको क्या करना है, ये जो लीव्स बनाई है अपन ने, इसमें अपन शेडिंग ले लेंगे दो कलर से। ये छोटी ब्रांचेस को भी मैंने ब्राउन से फिल कर लिया। लीव्स में एक साइड डार्क ग्रीन, एक साइड लाइट ग्रीन, इस टाइप से। पहले आप पूरे में जहाँ जहाँ लीव्स बनी हुई है वहाँ पे लाइट ग्रीन हाफ में करोगे और फिर हाफ में डार्क ग्रीन। ये ऐसा डार्क ग्रीन को आपको थोड़ा सा लाइट ग्रीन के ऊपर ओवरलैप करना है, ऊपर थोड़ा सा ऊपर लेकर के आओगे आप उसको तो वो कलर मिक्स हो जाएगा आपका, जॉइंट नहीं दिखेगा ऐसा परफेक्ट। ऐसा सेम ऐसा इधर भी, ये थोड़ा सा उसके ऊपर लेकर करके आ गए तो ये पूरा अपना कंप्लीट हो गया। अब हमको करना है बर्ड, बर्ड में येलो कलर फिल कर देते हैं, येलो और ऑरेंज की शेडिंग ले लेते हैं बर्ड में तो ज़्यादा अच्छी दिखेगी वो। पहले अपने को क्या करना है, येलो कलर फिल करना है
तो हाफ में अपन लाइट येलो फिल कर रहे हैं, है ना। सेम ऐसा स्टैंडिंग में इधर साइड, कलर आपको लाइट चलाना है, डार्क नहीं करना है, क्योंकि इसके ऊपर अभी ऑरेंज कलर भी आएगा मिक्स करते हुए, है ना। ये इस टाइप से आपको इतनी जो लाइन बनी हुई है, स्ट्रिप्स दिख रही है, स्ट्रिप दिख रही है, इसको आपको व्हाइट छोड़ना है, ये ऑरेंज होगा। ये इस टाइप से अब आपको करना है ऑरेंज कलर, ऑरेंज को आपको डार्क करना है यहाँ से, आउटलाइनिंग जैसा पहले डाल लेना, फिर इसको आपको येलो साइड लेकर के आना है, पूरा येलो कवर करेगा ये ऑरेंज कलर। यस सर, पहले ये स्टैंडिंग लाइन में ऑरेंज अपन ने कंप्लीट ले लिया आउटलाइनिंग टाइप से, फिर धीरे 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 अपन आगे करते गए इसको। पेन ये जो मैं चला रही हूँ कलर, इसको आपको लाइट चलाना है येलो के ऊपर, क्योंकि अपन ने नीचे येलो दिया हुआ है उसके ऑरेंज के नीचे। सेम ऐसा ऑरेंज पहले इधर साइड डार्क, फिर उसको इधर लाइट करते जाएंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हमको बनाना है उसकी चोंच में कलर डालना है। चोंच में अपन डालते हैं ब्लैक कलर। थोड़ा सा मैंने व्हाइट लाइन जैसा छोड़ दिया ताकि वो अच्छा दिखेगा, शाइन करती हुई दिखेगी यार चोंच। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर डालना हो तो आप इसमें बैकग्राउंड कलर भी डाल सकते हो, स्काई का लाइट ग्रीन टाइप, ये लाइट ब्लू टाइप से, ये ऐसा कहीं कहीं जिगजैग जिगजैग चलाना है ये कलर को, ऐसा स्लीपिंग में ही जिगजैग लेना है, पास 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 पास। पूरी अपनी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है, बर्ड भी अच्छी लग रही है। अब ये जिसने भी ड्रॉ करा है अब वो अपना नाम यहाँ पे लिखेगा, है, और आपने ये जो पूरा ड्राइंग बनाया है इसका नाम आप यहाँ डालोगे, BIRD बर्ड।